मेडिकल पैनल अपना लाएगा, जो ये बकवास डॉक्टर पाकिस्तान टीम में रखे हुए सलीम, ये जो पता नहीं सोहेल सलीम जो भी है, उसका अपना वेट 302 किलो है, तो उसने क्या फिट करना है, खुद फिट आया नहीं बेचारा, खुद दवाइयों पे चल रहा है, उसको बेचारे को वो उसको भी निकालेगा मेडिकल जो पैनल पीसीबी का दुनिया का वर्स्ट मेडिकल पैनल बाय द वे, ये पीसीबी को सोचना पड़ेगा, ये मेडिकल पैनल आपको ठीक रखना पड़ेगा। हारिस सोहेल का घोड़े का ऑपरेशन कुछ और था, करवा कुछ हो दिया, इमेजिन करो, टीका हाथ में पकड़ा हुआ है, सुई लगा दी, तो मैं कहिए टीका किधर है, टीका कहते सर मैं भूल गया टीका हाथ में रह गया। ये तो पाकिस्तान टीम के डॉक्टरों का हाल है, क्या क्या बताएं, उस चोट इधर लगी है सारा सारा गंजा कर दिया है, पीसीबी है एक डॉक्टर है हमारा, वो कहते जख्म नहीं मिल रहा, और पहले देख लिया खून कहां से निकल रहे हैं, इमेजिन यार, हिलेरियस पीपल आई स्वेयर। बाकी रही बात जी मिसबा की, आप मेरी बात सुने, पीसीबी बंदे एवरेज इसलिए लाता है कि 6 महीने बाद उन पे इल्जाम रख के उसको निकाल सके, ताकि हम पे क्रिटिसिज्म ना हो। ये बड़े चलाक होते हैं जी पीसीबी वाले, ये हमेशा 20-25 सालों में ये ड्रामा करते रहे, एवरेज बंदा लाते हैं, एवरेज बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता, 6 महीने बाद कमेटी बना देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं जी ओ देखा ना मिसबा ऐसे था, तो मैं नहीं पता था मिसबा मीडियोकर आदमी है, मीडियोकर बंदे को क्यों लाए हो तुम, क्योंकि ये खुद पीसीबी एक मीडियोकर इदारा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को इशार माने से बेहतर बंदा नहीं मिला, क्या स्टैंडिंग है इसकी दुनिया में, क्या बात करेगा ये, क्या स्टेटमेंट देगा, क्या सोशल मीडिया के ऊपर इसकी फॉलोइंग है भाई जान, क्या दुनिया में नाम कमाया है इशार माने साहब ने, क्या ये बयान देगा, कल हिंदुस्तान आपसे कहता जी हम नहीं खेलते आपके साथ, पैसा आपका हिंदुस्तान से पाकिस्तान आईसीसी और आईसीसी से आपके पाकिस्तान आता है, कल वो कहते नहीं देते पैसा आईसीसी को, जी हम नहीं देते, क्या कर लेंगे आप?